नमस्कार साथियों, साथियों मैं आज बात करना चाहता हूं आपसे सब्जी के दुकान में, सब्जी के बिजनेस में कितना परसेंट फ़ायदा होता है और उसमें कितनी आपकी बचत होती है और क्या नुकसान होते हैं, इसी विषय पर मैं आपसे बात करूंगा। जैसे सब्जियों का जो बिजनेस है, यह कच्चा बिजनेस है, इसमें जो फ़ायदा और बचत होती है यह फिक्स नहीं होती है, हमेशा कम और ज़्यादा होती रहती है और यह चीज़ निर्भर करता है सब्जियों की पैदावार खेतों में कैसी हुई, सब्जियों की सीजन कैसी है, मौसम कैसा है, इसी के ऊपर थोक मंडी का भाव भी निर्भर करता है और थोक मंडी का भाव भी इसके हिसाब से कम और ज़्यादा होता रहता है। उसी के हिसाब से आपको भी सब्जियों में फ़ायदा कम और ज़्यादा होता है और आपकी बचत भी कम और ज़्यादा होती रहती है। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि परसेंटेज में कम से कम कितना फ़ायदा हो सकता है और अधिक से अधिक कितना तक जा सकता है फ़ायदा, तो जहाँ तक आलू और प्याज है, लहसुन है, ये थोड़ा पक्का सौदा है, इसमें जो आपको फ़ायदा मिलेगा वो कम से कम 30% से लेकर अधिकतम 100% के बीच में आपको फ़ायदा मिलेगा, कम से कम 30% अधिकतम 100% के बीच में, ठीक है। और जो दूसरे प्रकार की सब्जियाँ हैं, अनेक प्रकार की सब्जियाँ होती हैं, ठीक है, उन सब्जियों में, हर एक सब्जियों में अलग अलग फ़ायदा आपको मिलता है, किसी में कम, किसी में मध्यम, किसी में ज़्यादा, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो मिनिमम कम से कम 50% से लेकर अधिकतम 200% तक आपको फ़ायदा हो सकता है, कम से कम 50% और अधिकतम 200% के बीच आपको फ़ायदा हो सकता है। यह तो रही फ़ायदे की बात, ठीक है, लेकिन अब आपकी इसमें बचत कितनी होगी दोस्तों। बचत जो है यह निर्भर करता है आपके बिजनेस में खर्चा कितना है, ठीक है। जैसे आपका बिजनेस कहीं बड़ी बाज़ारों में या बड़े शहरों में है और वहाँ पर आप बड़ा बिजनेस किए हैं, तो आप कमरा किराए पर लिए हैं या और दो चार लड़कों को काम पर रखे हैं, तो उनको वेतन देना पड़ेगा, खर्चा देना पड़ेगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो आपकी खर्चा जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, उसमें आपकी जो बचत है वह कम रह जाएगी। उसमें आपकी बचत है कम से कम 10% से लेकर अधिकतम 20-22% तक जा सकती है, कम से कम 10% अधिकतम 20-22% तक आपकी बचत हो सकती है, ठीक है, ये आपकी बचत रह सकती है इतनी परसेंट के बीच में। और जो हमारे भाई अपना बिजनेस सब्जी का खुद ही संभाल लेते हैं और कोई जो है गांव में बेचकर या गांव की बाज़ारों में बेचकर या बड़े शहरों में फुटपाथ पर बैठकर बेचते हैं और अपना बिजनेस खुद ही करते हैं, उनकी कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, मतलब कहीं कमरे का किराया नहीं देना है और किसी लड़के को काम पर नहीं रखे हैं, इस प्रकार से उनकी बचत ज़्यादा थोड़ा हो जाती है। उनकी जो बचत है वह कम से कम 25% से लेकर अधिकतम 40% के बीच में होती है, कम से कम 25% और अधिकतम 40% के बीच में उन भाइयों की बचत हो जाती है, ठीक है। तो यह तो रही सब्जी में आपका पहले बताया फ़ायदा और यह आपकी बचत, ठीक है। और नुकसान क्या होता है, नुकसान इसमें होता है जैसे सब्जी का जो बिजनेस है दोस्तों, यह कच्चा सौदा है, आपको पता है, इसमें बहुत ही दिमाग लगाना पड़ता है बिजनेस के लिए, और कैसी आपकी बिक्री है सब्जी की, कैसी सेलिंग है, किस एरिया में है, यह सब उसके ऊपर निर्भर करता है, और आपको इसमें अच्छा खासा अनुभव की ज़रूरत है, अनुभव होना चाहिए आपको, उसके हिसाब से आप थोक मंडी से या किसान भाइयों के यहाँ से उसके हिसाब से आप अपनी सब्जी को उठाइए कि आपकी सब्जी कैसी सेलिंग होती है, जितनी सेलिंग होती है उसके आसपास ही वो सब्जी आप उठाइए, और क्या सब्जी ज़्यादा सेलिंग होती है उस सब्जी को आप उठाइए, उसके हिसाब से आप अनुभव रखिए, ठीक है, नहीं तो आप ज़्यादा सब्जी उठा लेंगे, आपकी बिक्री नहीं हो पाएगी, तो आपकी सब्जी ज़्यादा बच जाएगी तो नुकसान होगी, थोड़ा बहुत बचती है तो आप दूसरे दिन भी बेचिए, तीसरे दिन भी बेचिए सब्जी के हिसाब से, ठीक है, और थोड़ी बचती तो आप अपने घर में भी यूज कर सकते हैं। और इस प्रकार से सब्जी में नुकसान भी होता है, कभी कभार महीने में दो दिन चार दिन ऐसा भी होता है जो आपकी लागत ही निकल पाती है, कुछ फ़ायदा नहीं मिल पाता है। सब मिलाकर देखा जाए तो सब्जी का बिजनेस ठीक ठाक है, लेकिन इसमें मेहनत भी बहुत है और दिमाग से इसका बिजनेस करना पड़ता है, दिमाग लगाकर तो ही आप सक्सेसफुल रह पाएंगे दोस्तों। हमारी जानकारी, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए, जिससे मैं ऐसी कोई जानकारी लेकर आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।